हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज। इस लेक्चर में बेसिकली जो हमने पूरा फॉर्मलिज्म कर लिया है पार्शियल वेव एनालिसिस का, उसको थोड़ा एप्लीकेशन व्यू पॉइंट से देखते हैं। एप्लीकेशन से मेरा मतलब ये नहीं मैथमेटिकली आप डिराइव करके कैसे ला रहे हैं। रिमेंबर दैट स्कैटरिंग में जो इश्यू मेनली है वो है आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपके पास क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल होंगे डिफरेंशियल या टोटल, और वहाँ से आपको इंटरप्रेट करना है उस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे इंटरप्रेट करना है कि वो नेचर ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल कैसा है। ओके, तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो इट लुक्स लाइक यहाँ वी हमें गिवन है और उससे हम सिग्मा निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली प्रॉब्लम इसकी इन्वर्स प्रॉब्लम है। आप एक्सपेरिमेंटली लैब में कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं और वो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं, और फिर वहाँ से आपको इंटरप्रेट करना है ओके कि नेचर ऑफ पोटेंशियल क्या होगा जो इस समय इन्वॉल्व है। ओके, और दैट इज़ अ रियली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो उस सेंस से थोड़ा इस लेक्चर को देखेंगे। करेंगे तो हम मैथमेटिक्स करके ही अपने रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे, बट हमेशा व्यू पॉइंट ये रहेगा ओके वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो किस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता होगा या ओके, सो लेट्स थिंक दैट वे। और यहाँ पे जो एग्जैक्ट टॉपिक है वैसे तो वो है स्कैटरिंग बाय स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अगेन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एग्जैक्टली सॉल्व किया जा सकता है ओके, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। जैसे हमने हार्ड स्फीयर की स्कैटरिंग में जो डेल का एक्सप्रेशन है किसी भी एल के लिए वो एग्जैक्टली हमने ऑप्टेन किया था, ऐसे यहाँ पर भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन ऑप्टेन किए जा सकते हैं ओके। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट उससे थोड़ा और ज़्यादा वो है, जनरल है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। फाइनाइट रेंज, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, शॉर्ट रेंज और फाइनाइट रेंज। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल तो हमने एक मैथमेटिकल क्राइटेरिया से डिस्क्राइब कर दिया था, से आर स्क्वायर इनटू वी मस्ट टेंड टू जीरो ओके एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी ओके। शॉर्ट रेंज पोटेंशियल ऐसा हो सकता है कि वो इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड हो रहा हो वेरी ग्रेजुअली, लेकिन इन प्रिंसिपल वो इन्फिनिटी तक भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जब मैं फाइनाइट रेंज पोटेंशियल कहता हूँ तो फाइनाइट रेंज का मेरा सेंस ये है एक पॉइंट के बाद वो इफेक्टिवली जीरो हो जाता है। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, आपका माना कोई बहुत फास्टली रैपिडली डिकेइंग पोटेंशियल भी है, मैं पॉजिटिव साइड में दिखाता हूँ उसे या नेगेटिव साइड से भी दिखा सकते थे दिस ये ओके ये एसिम्प्टोटिकली इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रहा है। जबकि अगर आप स्क्वायर वेल पोटेंशियल को देखें दिस या इवन बैरियर भी आप देख सकते हैं, ये कुछ रेंज तक पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है, इस केस में तो कांस्टेंट है, इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, फॉर माना इसके बजाय पोटेंशियल ऐसा है समथिंग लाइक दिस से आर्बिट्री, लेकिन इस पॉइंट के बाद अगर ये जीरो हो रहा है तो इसको मैं फाइनाइट रेंज पोटेंशियल कह रहा हूँ ओके। बाद में इस क्राइटेरिया को फाइनाइट को आप इस तरह के पोटेंशियल्स के लिए भी एक्सटेंड कर पाएंगे, पर अभी फाइनाइट रेंज। और स्क्वायर वेल पोटेंशियल फाइनाइट रेंज पोटेंशियल्स का प्रोटोटाइप है। इनफैक्ट यहाँ पे एक जो बड़ा रिजल्ट मिलता है अमेजिंग वो ये है कि कोई भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल हो उसके लिए जो जनरल रिजल्ट्स हैं स्कैटरिंग रिलेटेड वो पोटेंशियल की एग्जैक्ट शेप पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है उसमें, चाहे आप इस पोटेंशियल वेल के लिए या इन सबको अगर मैं वेल पोटेंशियल्स कहूँ ओके, तो वेल पोटेंशियल्स के अगर कुछ पैरामीटर्स जिन्हें हम डिफाइन करेंगे अगर वो सेम हैं तो उनसे होने वाली स्कैटरिंग ऑलमोस्ट सेम होती है ओके। वैसे फाइनल डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती है और उसी से पोटेंशियल का एग्जैक्ट नेचर पता लगता है, पर जिन डिटेल्स की हम बात करने वाले हैं वो पोटेंशियल की एग्जैक्ट शेप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। तो और स्क्वायर वेल पोटेंशियल के साथ कैलकुलेशन हम क्लोज फॉर्म में एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ज़्यादा टफ कैलकुलेशंस नहीं है, इसलिए उसको हम प्रोटोटाइप की तरह रखेंगे ओके। बट स्क्वायर वेल पे बाद में चलेंगे, पहले जनरल आप इसे जनरल सेंस में सोचें किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल के लिए किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं कि हाँ हमें कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेट तो थ्योरेटिकली आपको डेल्टा एल ही करना है ओके, सो हाउ डू वी कैलकुलेट आउटसाइड रीजन में जो हमारा सॉल्यूशन है लास्ट लेक्चर में हमने उसे इस तरह से वो किया था ओके। आप जे एल रो और एन एल रो का सुपरपोजिशन करते हैं और फिर बाउंड्री पे उसकी वैल्यू से डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं ओके, दिस समथिंग लाइक दिस, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अच्छा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन हमने किया था और फिर ये देखा था हमने फाई जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह लग रहा था ओके, ये एक्चुअली फेज शिफ्ट के बराबर है, तो फेज शिफ्ट के टर्म में फाइनल एक्सप्रेशन ये है। सो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, हो गया है। ये किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल है आउटसाइड रीजन में फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, ये सब कॉन्स्टेंट है, ए एल आर दिस ऑल दिस कैन बी रिटन एज अ कॉन्स्टेंट, दिस फेज डिफरेंस फेज शिफ्ट और बाकी ये द स्फेरिकल वेसल्स एंड स्फेरिकल न्यूमा फंक्शंस एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ओके। So this is the outside solution in terms of phase shift. Okay. अब एक टर्म आप कई जगह पढ़ेंगे, मैचिंग ऑफ लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। इनफैक्ट ये पहले हमने डिस्कस किया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, जब हम किसी कोई बाउंड्री होती है, क्योंकि फाइनाइट रेंज पोटेंशियल में बेसिकली आपकी एक बाउंड्री इस्टेब्लिश हो रही है, बाउंड्री से अंदर पोटेंशियल की वैल्यू है और आपके पास उसका कोई एक्सप्रेशन होगा ओके। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर वेल के लिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल की वैल्यू से जीरो या माइनस वी नॉट जो भी आप रेफरेंस पॉइंट लें, और इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल जीरो। इनफैक्ट इन सिचुएशन में हम
आउटसाइड वैल्यू को जीरो लेंगे और माना ये मेरा वेल है तो इसको माइनस वी जीरो, और अगर ये बैरियर होता तो प्लस वी जीरो, ओके समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन ये पॉइंट आपका बाउंड्री बन रहा है और बाउंड्री पे आपको सॉल्यूशन मैच करते हैं बेसिकली सब कुछ। ये साइज आप निकाल रहे हैं रेडियल वेव फंक्शंस, ऑल दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन के जो जब हम उसे इनिशियली हमने स्टडी किया था, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, सॉल्यूशन को भी और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी। तो किसी जनरल सिचुएशन में किसी पॉइंट पे बाउंड्री है, माना ये बाउंड्री है, आप इसे केवल स्कैटरिंग सिचुएशन में सोचें, ये आप अप्लाई कर चुके हैं इस तरह की चीज, माना ये बाउंड्री है और बाउंड्री के इनसाइड रीजन में माना वेव फंक्शन साई आई है और आउटसाइड रीजन में साई ओ, तो आप ये करते तो हैं साई आई मस्ट बी इक्वल टू साई ओ एट आर इक्वल टू ए, माना ये आपका डिस्टेंस वेरिएबल आर है माना उस सिचुएशन में, तो आर की वैल्यू ए पे यहां का सॉल्यूशन इससे मैच करना चाहिए, और ऐसे ही इसका जो डेरिवेटिव है इसके डेरिवेटिव से मैच करना चाहिए अगेन एट आर इक्वल टू ए, ओके। डिफरेंशियन अप्रोप्रिएट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, वन डायमेंशनल केस है तो एक्स, थ्री डायमेंशनल है और स्फेरिकल पोलर में आप आए हैं तो आर हो सकता है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट ये आप हमेशा मैच करते हैं। तो अगर आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें तो यू गेट साई ए डैश ओवर साई आई बोथ इवैल्यूएटेड एट आर इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू साई ओ डैश ओवर साई ओ दिस, और इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग नेचुरल साई का डिफरेंशियन आप करें तो वन अपॉन साई डिनोमीटर में आएगा और खुद साई का डिफरेंशियन साई आई डैश, ओके एंड सिमिलरली है। तो इसी को यही जो कंडीशंस हैं जो हम कहते हैं हम फंक्शन की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों को बाउंड्री पे मैच करते हैं, उन दोनों को आप एक ही कंडीशन में इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। इस तरह से कंडीशन इंक्लूड में इंक्लूड करने का फ़ायदा क्या होता है, आपका जो कॉन्स्टेंट आता है दोनों सॉल्यूशंस में वो कॉन्स्टेंट अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो डिवीजन में वो कैंसिल हो जाते हैं, ओके। सो यू विल सी दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट दिस। तो ये लॉग डेरिवेटिव, ओके, तो ये, लेकिन मैं लॉग डेरिवेटिव के टर्म में बात नहीं करूँगा, बेसिकली मैं इस कंडीशन की बात करूँगा, ओके। बाउंड्री पे डेरिवेटिव और सॉल्यूशन दोनों को मैच करना है, मतलब मैं सीधे सीधे अलग अलग दो कंडीशन यूज़ नहीं करूँगा, सीधे इस कंडीशन को यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे मैं हार्ड स्फीयर जो हमने लास्ट टाइम किया था उसको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा, हार्ड स्फीयर के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इनफैक्ट जहाँ भी पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट ऑर्डर की होती है वहाँ पे वेव फंक्शन के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके दिस। तो स्कैटरिंग की अगर बात करें तो ये आउटसाइड वाला आर आपके पास पता है, ये आउटसाइड का सॉल्यूशन है, ये आउटसाइड साई का एक पार्ट है, वाई एल एम में तो डिस्टेंस के साथ कंटिन्यूटी का कोई इशू नहीं है, कंटिन्यूटी का इशू इसी के साथ आएगा, तो साई की जगह आप ये समझें। तो आउटसाइड रीजन का सॉल्यूशन आपके पास एक्जैक्टली है, एक्जैक्टली मतलब इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल आपने इसे ऑप्टेन कर रखा है, ओके। इनफैक्ट आप इस बाद में हम इसे रिवर्स फॉर्म में सोचेंगे, डेल्टा एल को हम इसके टर्म्स में निकालेंगे, फॉर द टाइम बीइंग ये डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है जस्ट एंड दिस, ओके। तो आउटसाइड वाला सॉल्यूशन आपको पता है तो उसका आप डैश भी निकाल सकते हैं, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करें, ओके, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरिएबल आर, तो इसका डिफरेंशियन आप करें तो कांस्टेंट ये रहा, ठीक है, कॉस डेल्टा एल पे कोई फर्क नहीं। हाँ, जे एल रो, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ का ध्यान आप रखिए, ये डिफरेंशियन मैं कह रहा हूँ हम आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके। आर के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियन करेंगे तो रो इज बेसिकली फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू के आर, तो के का एक फैक्टर बाहर और जे एल डैश, और सिमिलरली यहाँ एन एल रो का डिफरेंशियन सम एन एल डैश और एक के का फैक्टर बाहर। लेकिन दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको ये ध्यान रखना है हम ये के का फैक्टर बाहर निकाल चुके हैं, के का फैक्टर मतलब अब ये जो डिफरेंशियन है ये बेसिकली रो के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें, यहाँ इस साइड जब मैं कर रहा हूँ ये डैश इसका मतलब हो रहा है आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियन, बट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स जे एल जो है या जे एल के डैश या एन एल डैश वो हमेशा रो के फंक्शन होते हैं, रो मतलब के आर के फंक्शन, तो उनका डिफरेंशियन अब उनके सीधे रो के रेस्पेक्ट में, ओके। सो बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट, ओके। डिफरेंशियन इधर डिफरेंशियन कुछ और डिनोट कर रहा है, इधर कुछ और, तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि आगे हमें केवल इससे डील करना है। तो जे एल डैश या एन एल डैश के डिफरेंशियन अगर होंगे तो के आर, आप ये ना सोचे आर के रेस्पेक्ट में अलग से डिफरेंशिएट करना है और फिर एक के का फैक्टर आप और बाहर निकालें, नहीं, के आर को रो समझें, आपने इसका डिफरेंशियन सीधे सीधे रो के रेस्पेक्ट में करना है, बाद में आप रो इक्वल टू के आर रख दीजिए, ओके। सो बी केयरफुल। अच्छा, अब अगर हम लॉग डेरिवेटिव, मैं लॉग डेरिवेटिव इसे कह रहा हूँ पर मैं इस फॉर्म में निकाल रहा, सीधे ये लॉग डेरिवेटिव डैश का अपॉन द वेव फंक्शन इटसेल्फ, डैश ये रहा और वेव फंक्शन ये रहा, तो अगर आप ये डिवीज़न करें तो आप देख सकते हैं ओवरऑल कॉन्स्टेंट कैंसिल हो गया, ओके। बाकी जो बचा इन दोनों में k का एक फैक्टर कॉमन, दैट इज़ रिटर्न ओवर हेयर, ओके। और इसे थोड़ा सी आप मसाज करके मैनिपुलेट करके थोड़ा बेटर फॉर्म में ला सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमेटर में आप cos del l से डिवाइड कर दें तो यहाँ कुछ नहीं, केवल जे एल डैश टेन डेल एल दिस, ओके। द एक्सप्रेशन माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ नथिंग, ओके, दैट इन्वॉल्व सिंपली आपने जो लॉग डेरिवेटिव, इस कंडीशन को या इस कंडीशन को समझिए, बाउंड्री पे हमने लॉग डेरिवेटिव मैच करना है आउटसाइड लॉग डेरिवेटिव को इनसाइड लॉग डेरिवेटिव से, और लॉग नाम यहाँ से आया, लॉग डेरिवेटिव मैच करने का ये मतलब है। तो आउटसाइड लॉग डेरिवेटिव मैं निकाल चुका हूँ इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल, ओके। पॉइंट ए पे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी मैंने आर इक्वल टू ए इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं किया, ये जनरल वैल्यू है, लेकिन मैचिंग हम आर इक्वल टू ए पे करते हैं। तो जैसे ही आप आर इक्वल टू ए रखते हैं, इंस्टेंट पार्टिकल की एनर्जी आपको पता है, k
के आपको पता है, ए वो आपका जो फाइनाइट रेंज पोटेंशियल है उस कितनी रेंज पता है, तो जे एल स्टैंडर्ड टेबल से देख के आप इस फंक्शन को देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव देख सकते हैं, ये नोन है, ये केवल के और ए पे डिपेंड कर रहा है, ये नोन है, ये नोन है, केवल डेल्टा एल। तो बेसिकली आपने आउटसाइड वाला जो वो है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, उसको डेल्टा एल के एक फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। ओके बस, अच्छा अगर इनसाइड वाला सॉल्यूशन हमने निकाला नहीं है, अभी बाद में मैं स्क्वायर वेल की बात करूंगा तो हम इनसाइड सॉल्यूशन के लिए भी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव निकाल लेंगे बड़े आराम से, वहाँ पे ये बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं है, पर अभी जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। माना पोटेंशियल हो सकता है तो वेल शेप का माना, ओके आप वेल ही सोचिए, अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, पर माना उसकी शेप हो सकता है यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसी हो या किसी और शेप का हो, तो अंदर का सॉल्यूशन आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, वो अंदर के रीजन में जहाँ वो पोटेंशियल फाइनाइट रेंज है वहाँ उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या है। ओके बट व्हाटएवर बी द एक्सप्रेशन, से माना इनसाइड वाले सॉल्यूशन को ऑप्टेन करके आपने इनसाइड का लॉग डेरिवेटिव निकाल दिया, और मैं उसको सिंपली गामा एल लिख रहा हूँ। ओके ये नॉर्मल कन्वेंशन है, इनसाइड सॉल्यूशन का जो लॉग डेरिवेटिव है माना वो गामा एल, और वो भी वैल्यू आर इक्वल टू ए पे, आप आर की जगह ए सब्सटीट्यूट कर सकते हो इनसाइड सॉल्यूशन का। ओके द इनसाइड सॉल्यूशन विल नीड टू बी डिटरमिन्ड डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ वी आर, ये आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आपको पोटेंशियल नहीं दिया गया है ये, और हो सकता है हर पोटेंशियल के लिए क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन ना भी मिल पाए। ओके सो वी माइट हैव टू अप्रोक्सीमेट, बट कुछ ना कुछ तो होगी उसकी वैल्यू, सो से दैट वैल्यू इज गामा एल। और यहाँ पे थोड़ा इस बारे में केयरफुल रहें, कुछ बुक्स कुछ ऑथर्स गामा एल इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं। ओके जो हमने डिफाइन किया है गामा एल हमारे लिए है आर एल डैश ओवर आर एल फॉर द इनसाइड सॉल्यूशन, इनसाइड सॉल्यूशन का डेरिवेटिव ओवर इनसाइड सॉल्यूशन, कुछ लोग इसका इन्वर्स डिफाइन करते हैं। ओके सो बी केयरफुल, लेकिन मैं इस डेफिनेशन से वर्क करूँ तो बाउंड्री कंडीशन या लॉगरिथमिक डेरिवेटिव मैचिंग की कंडीशन क्या कह रही है, इनसाइड वाला जो वैल्यू है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव की वो आउटसाइड वाले से मैच करनी चाहिए, आउटसाइड वाला जो हमने अभी एक्सप्लिसिटली डिराइव किया। ओके दिस, तो इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें थोड़ा सी, ओके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस एक्सप्रेशन को लिखते हुए मैंने सारी डिपेंडेंसीज सप्रेस कर दी हैं, जो भी जे एल और जे एल डैश या एन एल एन एल डैश हैं वो के ए के ही फंक्शन है, तो उनको सप्रेस करके ये आया, और इसको रीअरेंज करके अब मैंने टेन डेल्टा एल को बाकी क्वान्टिटीज़ के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है दिस। ओके तो ये अगेन आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया है फॉर टेन डेल्टा एल इन टर्म्स ऑफ, अब देखें इसमें से क्या क्या नोन है, इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी आप फिक्स कर सकते हैं, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये गामा एल नोन नहीं है, गामा एल वो स्पेसिफिक पोटेंशियल जो है उसके लिए यही कैलकुलेशन आपकी बचती है। तो इन प्रिंसिपल ये अगेन आपको एक फार्मूला ऑफर कर रहा है कि जहाँ से आप फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एनी गिवन एल वेव, और हम तो जनरल कैलकुलेशन भी नहीं करने वाले, हम तो लो एनर्जी स्कैटरिंग पर कंसंट्रेट करेंगे, तो डेल्टा जीरो और डेल्टा वन आप सोचिए, केवल एस वेव और पी वेव के लिए हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, तो ये इनफैक्ट ज़्यादा कॉमन रास्ता है जहाँ से आप डेल्टा एल ऑप्टेन कर सकते हैं। ओके हमारे पास और एक्सप्रेशंस भी हैं डेल्टा एल के, बट दिस आल्सो ऑफर्स, लेकिन आप इसके लिए आपको ये गामा एल निकालना पड़ेगा, और गामा एल निकालने के लिए आपको इनसाइड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इनसाइड तो रेसिपी का आप इस तरह समझ सकते हैं, इनसाइड सॉल्यूशन ऑप्टेन करो और उससे आर डैश अपॉन आर सॉल्यूशन का डेरिवेटिव अपॉन सॉल्यूशन ऑप्टेन, उसकी वैल्यू आर इक्वल टू ए पे गामा एल के बराबर, और तब वो यहाँ सब्सटीट्यूट करके आपको सीधे टेन डेल्टा एल मिल जाएगा। ओके और ये कैलकुलेशन आपको हर वैल्यू के एल वैल्यू के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी दिस। तो वंस द इनसाइड सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड दिस ऑफर्स प्रॉब्ली द इजिएस्ट, अब ये इजिएस्ट मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग व्यू पॉइंट से दिस ऑफर्स अ इजी वे ऑफ ऑप्टेनिंग डेल्टा एल, डेल्टा एल को समझने का एक वे ऑफर करता है, और हम इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे प्रेजेंट डिस्कशन में। ओके और कुछ चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, हम अब केवल इस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम लो एनर्जी स्कैटरिंग की बात करेंगे। ओके हार्ड स्फीयर में हमने हाई एनर्जी लिमिट और वो सारी भी देखी थी, बट अब हम एक्सक्लूसिवली केवल लो एनर्जी लिमिट पे फोकस करेंगे। ओके और इनफैक्ट बाद में तो हम जीरो एनर्जी स्कैटरिंग जिसे कह सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, के जो है टेंड्स टू जीरो, अब जीरो एनर्जी पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, बट थिंक ऑफ इट एज एन एक्सट्रापोलेशन। ओके आपने डेटा ऑब्टेन किया एक्सपेरिमेंटली और फिर आप देख रहे हो के इक्वल टू जीरो पे कैसे बिहेव कर रहा है, या थ्योरेटिकली भी आप चेक कर सकते हैं कि के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में क्या हाल हो रहा है। तो दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक लो एनर्जी स्कैटरिंग के इज स्मॉल कंपेयर टू वन, और बाद में एक जीरो एनर्जी स्कैटरिंग भी हम कह सकते हैं, जीरो एनर्जी लिमिट के टेंडिंग टू जीरो। ओके ये हम कई बार आर्ग्यू कर चुके हैं, स्मॉल एनर्जी के लिए इन जनरल आपको केवल एस वेव स्कैटरिंग कंसिडर करनी पड़ती है, मैं इन जनरल कह रहा हूँ, कभी कभी वैसी सिचुएशन भी हो सकती हैं जिन्हें हम रेजोनेंस या अन्य चीज़ें होती हैं। ओके थोड़ा सी उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एस वेव स्कैटरिंग आप जानते हैं आइसोट्रोपिक होती है, मैथमेटिकली हम उसे देख चुके हैं, बेसिकली पी एल कॉस थीटा का बिहेवियर, अगर मैं बहुत रफली कहूँ वो जो लेजेंड्रे पॉलीनोमियल जो कि कॉस थीटा स्कैटरिंग एंगल के कॉस का फंक्शन होता है, तो एल इक्वल टू जीरो वैल्यू के लिए पी जीरो कॉस थीटा वन के बराबर होता है आइसोट्रोपिक स्कैटरिंग, लेकिन उसको आप क्वालिटेटिवली भी बहुत आराम से समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे
थोड़ा समझाने की कोशिश की है। माना ये आपका पोटेंशियल है, जो भी इसकी रेंज है, फाइनाइट रेंज और स्मॉल, ओके, स्मॉल कंपेयर टू वेवलेंथ। आप अगर लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, एस वेव स्कैटरिंग मतलब लो एनर्जी पे ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं, लो एनर्जी मतलब लार्ज वेवलेंथ, इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ अगर लार्ज है तो ये लार्ज वेवलेंथ जो है ये इसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन नहीं कर सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के को आपको देखना है या उसको ऑब्जर्व करना है या उसके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है तो आपको लगभग उसी के साइज़ की ऑर्डर की वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। द सेम आइडिया अप्लाइज हियर। इतनी बड़ी वेवलेंथ जो है वेरी लो एनर्जी वाली पे स्कैटरिंग जब आप कर रहे हैं, ये इसके डायरेक्शनल फीचर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है, तो इसीलिए आपको स्कैटरिंग क्या मिलती है, आइसोट्रोपिक। दिस इज अ वेरी क्वालिटेटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ओके। अच्छा, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो आएगा, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लो एनर्जी स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनफैक्ट के टेंडिंग टू जीरो लिमिट पे भी जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होते हैं दोज कंटेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो लो एनर्जी स्कैटरिंग में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल के बारे में वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं, नॉट एवरीथिंग बट मैनी थिंग्स, ओके। तो लो एनर्जी स्कैटरिंग का जो एक फीचर है वो बेसिकली बाउंड स्टेट्स से भी उसका रिलेशन होता है। बाउंड स्टेट और ये फिनोमिना क्या है, मैं थोड़ा पहले आपको एक स्क्वायर वेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी एंगुलर मोमेंटम कंसिडरेशन इस पिक्चर में नहीं आ रहा है। माना ये आपका स्क्वायर वेल है, तो स्क्वायर वेल हमने सॉल्व कर रखा है, फाइनाइट स्क्वायर वेल। हो सकता है इस स्क्वायर वेल में कुछ फाइनाइट स्टेट्स हों फॉर दिस गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी और फॉर से एग्जांपल दिस गिवन एनर्जी। ये बाउंड स्टेट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये वाली बाउंड स्टेट हम कहेंगे डीप लाई कर रही है वेल में काफ़ी नीचे, लेकिन ये वाली बाउंड स्टेट से क्वालिटेटिवली वेल के टॉप के बहुत नियर है। मतलब इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है नेगेटिव, लेकिन जीरो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, वेल की डेप्थ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके। अब अगर आप एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपका पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव होती है, हाई एनर्जी स्कैटरिंग का मतलब ये, मैं उस लाइन शायद यहाँ कहीं प्लॉट करता या ऊपर, बहुत हाई एनर्जी पे, इस तरफ हमारा ई या के का स्केल है, एनर्जी या के का स्केल है, हाई एनर्जी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये आप पार्टिकल की एनर्जी ऐसे दिखाते, ओके। अपार्ट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स जिनको अभी मैं अगर ड्रॉप कर दूं, बेसिकली पार्टिकल आएगा और वापस लौट जाएगा, मतलब आर कोऑर्डिनेट फिर से उसका कम होके और फिर इंक्रीज करेगा, ओके। लेकिन अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हम धीरे धीरे कम करते रहें, लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट करें और के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में जाएं, तो के टेंडिंग टू जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं, ये रेड लाइन जो है ये ऑलमोस्ट इस एक्सिस के साथ ई इक्वल टू जीरो लाइन के साथ मैच कर रही है, ऑलमोस्ट जीरो। तो उस केस में ये जो स्कैटरिंग स्टेट है ये इस बाउंड स्टेट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे एक फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस, ओके। रेजोनेंस बेसिकली यही है, कभी कभी ऐसी कंडीशंस मैच हो सकती हैं कि ये स्कैटरिंग स्टेट इस बाउंड स्टेट के इतने क्लोज हो कि उसके साथ समथिंग कॉल्ड क्वासी बाउंड स्टेट, मतलब रफली एक बाउंड स्टेट टाइप की बनती है। तो उससे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इमीडिएटली उस पर्टिकुलर एनर्जी और उसके आसपास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आपका इमीडिएटली राइज कर सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। अभी हम कह रहे हैं कि लो एनर्जी पे सबसे डोमिनेंट स्कैटरिंग एस वाली होगी, माना आपने पी वेव स्कैटरिंग को नेगलेक्ट कर दिया, पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि पी वेव की स्कैटरिंग इस फिनोमिना के कारण इंपॉर्टेंट हो जाए, जिसे रेजोनेंस कहते हैं, ओके। वो एस वाले के रेस्पेक्ट में एस वाला ऑलमोस्ट जीरो या जीरो ही हो और पी वेव स्कैटरिंग बहुत हाई कंट्रीब्यूशन आपको दे रही हो, सो दिस माइट हैपन एट टाइम्स। इस तरह के फीचर को हम रेजोनेंस कहेंगे, ओके। रेजोनेंस वगैरह ये फीचर्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा क्वालिटेटिवली कवर करूंगा, बाकी ये जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स होता है यूजुअली वहाँ पे ज़्यादा बेटर आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सो मैं इसे वहाँ के लिए छोड़ रहा हूँ, ओके। वी विल सी, अगर जरूरत होगी तो बाद में हम इसे डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग, ओके, यस। वहाँ पे कुछ इस तरह के टर्म्स भी आप सुनेंगे, स्कैटरिंग लेंथ एंड रेंज, ओके। इसकी भी थोड़ा हम क्वालिटेटिवली बात नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ओके। अच्छा, एक दूसरा फिनोमेना जो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंसिडरेशन भी लें, ओके, तो वहाँ से ये क्राइटेरिया थोड़ा और बेटर समझ सकते हैं, ये रेजोनेंस का रफली आइडिया आप समझ सकते हैं। ये ब्लू कर्व जो है ये है एल एल प्लस वन ओवर आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग का कर्व, जिसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है पोटेंशियल में, ओके, इफेक्टिव पोटेंशियल में। तो ये, और माना आपका पोटेंशियल अगेन स्क्वायर वेल वाला था, ये ब्लैक लाइन। अब आप इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर ऐड करें तो जो रिजल्टिंग पोटेंशियल है वो लगभग ऐसा बनेगा, दिस रेड कर्व। इस रीजन में ये ब्लैक कर्व ये है, इस रीजन में रेड कर्व एग्जैक्टली इस ब्लू से डिटरमिन होगा। मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर दिखाया इसे, पर ये रेड वाला कर्व एक्चुअली यहाँ तक इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि रेड फंक्शन बेसिकली ब्लू और ब्लैक का सम है, और इस रीजन में क्योंकि ब्लैक वाला जीरो है तो ब्लू रेड जो है वो ब्लू के बराबर बनेगा, मतलब इससे ओवरलैप करेगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद
अचानक पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, माना -5, तो हर वैल्यू जो यहाँ थी इस ब्लू कर्व पे उस पर 5 का डिफरेंस आ जाएगा नीचे, तो ये पॉइंट 5 यूनिट्स नीचे खिसक गया, ये पॉइंट 5 यूनिट्स नीचे, सो दिस इज द शेप। ओके, इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी क्यों आ रही है इफेक्टिव पोटेंशियल में, क्योंकि ये वाला जो पोटेंशियल है इसमें डिसकंटिन्यूटी थी। ओके, दिस तो अब इस पोटेंशियल का नेचर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर के को मैं ज़्यादा अभी वो नहीं दूंगा, इस पार्ट को आप सोच सकते हैं, अच्छा ये तो वेल जैसी शेप्ड है, जैसे मैंने पहले कहा स्क्वायर वाले पोटेंशियल हो या जनरल कुछ भी शेप का वेल हो, जनरल रिजल्ट्स उसके लिए सेम मिलते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पर आप यहाँ देखिए, ये पोटेंशियल का एज यहाँ राइज हुआ, लेकिन इस पॉइंट पे जीरो से भी ऊपर राइज हो रहा है। ओके, और उसके बाद डिके कर रहा है, तो इसके कारण रेजोनेंस को आप इसके टर्म्स में भी बहुत ईजिली समझ सकते हैं, एटलीस्ट क्वालिटेटिवली। और रिमेंबर, ये एल इक्वल टू जीरो के लिए इस तरह का कर्व आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ भी फिर और क्राइटेरिया भी आते हैं, बट से तो ये आपका इफेक्टिव पोटेंशियल, अगर आप सोचें किसी फाइनाइट रेंज उसके लिए, जनरल शेप ऑफ पोटेंशियल ओवरऑल जो डिक्टेट करती है सॉल्यूशंस एंड एवरीथिंग, वो कुछ इस तरह का बनता है। तो इसके कारण क्या होता है, सी दिस सिचुएशन, माना उस पोटेंशियल को मैंने यहाँ पे दिखाया है। ओके, दिस इधर से ये और इसके बाद वेल की इस एज पे जीरो वैल्यू से थोड़ा और राइज कर रहा है। ओके, एंगुलर मोमेंटम कंट्रीब्यूशन के कारण, और उसके बाद डीके कर रहा है जीरो। ओके, तो अगर आप एक हाई एनर्जी पे एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करें, हाई का मतलब बहुत हाई भी जरूरत नहीं है, पर रिलेटिवली हाई एनर्जी पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करें, तो ये जो है ये पोटेंशियल को यहाँ पे इनकाउंटर कर रहा है, तो अगर ये से यहाँ पे इन्फिनिटी हो चुका है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा आपका। ओके, पोटेंशियल से रिफ्लेक्शन। ओके, लेकिन अगर आप इस एनर्जी पे एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करें, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस एनर्जी का पार्टिकल इस ये पोटेंशियल बैरियर है, इस बैरियर को पार करेगा, फॉर एग्जांपल अगर वो कर सकता है, तो उसके बाद वो एक बाउंड स्टेट बना रहा है। जैसे बाउंड स्टेट यहाँ होती है ना, लार्ज डिस्टेंस तक एस्केप नहीं कर सकता है, ऐसे यहाँ पार्टिकल आपका ट्रैप हो चुका है, पर ये एक्चुअली बाउंड स्टेट नहीं है, ये है क्वासी बाउंड स्टेट, क्योंकि वेव फंक्शन लीकेज के कारण फिर से ये ट्रैप्ड पार्टिकल देर सवेर यहाँ से एस्केप करके स्कैटर, जिसे आप रिफ्लेक्ट या स्कैटर कह सकते हैं, वो होके बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल ट्रैप्ड रहा है, और अगर इस बैरियर की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक भी ट्रैप्ड हो सकता है। अब ये ट्रैपिंग और इसका मतलब क्या है, सिंपली हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटल फ्रंट से देखें, इंसिडेंट पार्टिकल आया और उसने पोटेंशियल के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन किया, तो वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण इमिडिएटली उस एनर्जी के अबाउट आपका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा राइज कर सकता है। आप इस एनर्जी पे इस एक्सपेरिमेंट को करें, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो भी मिल रहा है, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट एनर्जी पे अचानक स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा राइज कर सकता है। तो यही फीचर है इस जो ये क्वासी बाउंड स्टेट टाइप की बन रही है। ओके, इसे ही दिस इज समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके भी आप बाउंड स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। से अगर आपकी बाउंड स्टेट ऐसी है, तो नेगेटिव एनर्जी स्टेट तो है, लेकिन उसकी एनर्जी जीरो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, और ये वाली स्कैटरिंग जो आप कर रहे हैं रेजोनेंस वाली सिचुएशन में भी आपकी एनर्जी जीरो के बहुत क्लोज है, तो ये जो आपकी क्वासी बाउंड स्टेट है और ये बाउंड स्टेट है, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ओके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन इस स्टेट के बारे में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंटल इनिशियल डेज का आप इसे वो समझ सकते हैं। एनपी जो स्कैटरिंग होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग जो होती है, वो एक्सपेरिमेंट करके आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो बाउंड स्टेट होती है, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बाउंड स्टेट बनती है न्यूक्लियर फोर्स के कारण। स्कैटरिंग में भी वही फोर्स इन्वॉल्व है, और जो उनकी बाउंड स्टेट है उसमें भी वही न्यूक्लियर फोर्स इन्वॉल्व है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, उसका नेचर आप काफ़ी सारे फीचर्स लो एनर्जी पे एनपी स्कैटरिंग से आप पता कर सकते हैं। ओके, और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको ये पढ़ाया जाएगा, यू विल सी देयर। तो उन एक्सपेरिमेंट से ही इनफैक्ट जैसे आप बहुत इजीली डिटरमिन कर सकते हैं थोड़ा सी एनालिसिस अप्लाई करके, कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, हाईली स्पिन डिपेंडेंट होता है। ओके, एनपी स्कैटरिंग में आपकी दो तरह की स्टेट्स आती हैं, ट्रिपलेट कॉम्बिनेशन और सिंगलेट कॉम्बिनेशन, और उनके स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, तो मतलब वहाँ से इंटरप्रिटेशन ये आता है। तो रेस्ट आई विल लीव टू योर कोर्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स, बट ऑल दीज आइडियाज़ बेसिकली जो हमने फॉर्मलिज्म किया है वो अप्लाई किस तरह से होता है, वो हम आज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कई टर्म्स लिखे हैं, ये पार्टिकल जब ट्रैप हो जाएगा, तो उसके बाद बाहर आने की उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, तो लीकेज या टनलिंग फिनोमिना, पोटेंशियल बैरियर, ये एक छोटा सी पोटेंशियल बैरियर ही तो है। ओके, एक बार ये ट्रैप हो गया, तो इस बैरियर को पार करके ये स्कैटर होगा, देर सवेर हो ही जाएगा स्कैटर, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक, और ये टाइम इंटरवल काफ़ी लार्ज भी हो सकता है, वो काफ़ी लंबे समय तक एक क्वासी बाउंड स्टेट बना के रखेगा। ओके, तो
एक्सपेरिमेंटलिस्ट को क्या नज़र आएगा, अरे ये पार्टिकल जो है इस एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंट्रैक्ट कर रहा है पोटेंशियल से, ओके। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आपको एक पीक सी दिख सकती है उस एनर्जी के अबाउट, ओके। और ये अलग अलग एल वैल्यू के लिए अलग अलग भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एल चैनल में आपको राइज दिख सकता है और हो सकता है बाकी ऑलमोस्ट जीरो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस समय एंड अदर पॉसिबिलिटीज, ओके। अब स्पेसिफिकली हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं, बट इसमें भी आप रिमाइंड कीजिए स्क्वायर वेल में हम इसलिए डील कर रहे हैं, इसके लिए हम कैलकुलेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, ओके, क्लोज फॉर्म में। लेकिन इससे जो जनरल रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल पर, ओके। तो अब और हम बेसिकली एस वेव स्कैटरिंग की बात करेंगे, पी वेव स्कैटरिंग का मैं एक्सप्रेशन आपको दिखाऊंगा फेज शिफ्ट का, और ये हम वो कर लेंगे। रेजोनेंस की कंडीशन ना हो अगर तो उसको छोड़ के पी वेव का जो स्कैटरिंग में कंट्रीब्यूशन है लो एनर्जी यूनिट में लगभग नेग्लिजिबल है, ओके। स्क्वायर वेल पोटेंशियल इस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैंने अर्लियर डिस्क्रिप्शन से वो करूँगा जो क्वांटम मैकेनिक्स हमने पिछले सेमेस्टर्स तक पढ़ी, वहाँ पे हो सकता है मैंने वेल के बॉटम पे पोटेंशियल जीरो कहा हो और टॉप पे वी नॉट, पर यहाँ पे मैं नोटेशन चेंज कर रहा हूँ, टॉप पे जीरो और बाहर माइनस वी नॉट, क्योंकि टॉप पे हमने पोटेंशियल को जीरो रख के बाहर के सॉल्यूशन उसको लेके निकाले हैं, ओके। तो ये और स्पेसिफिकली कि ये पोटेंशियल अट्रैक्टिव ही है, वेल जैसी शेप है, मैंने इसे माइनस वी नॉट रखा है, ओके। वैसे ये एब्सोल्युटली जरूरी नहीं था, मैं बैरियर और वेल को एक साथ डील कर सकता था सिंपली इसे वी नॉट लिख के, ओके। इंटरप्रिटेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल है तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज बेसिकली अ प्रोटोटाइप फॉर ऑल और मोस्ट शॉर्ट रेंज पोटेंशियल, शॉर्ट रेंज से मेरा सेंस यहाँ पे फाइनाइट रेंज पोटेंशियल था, ओके। दिस मैनी रिजल्ट्स या फीचर्स अप्लाई जो हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वांटिटेटिव आंसर डिफरेंट होंगे, बट क्वालिटेटिवली जो हमारे रिजल्ट्स या फीचर्स होंगे दे अप्लाई टू मोर कॉम्प्लिकेटेड फाइनाइट रेंज पोटेंशियल। ये तो काफ़ी सिंपल है, स्क्वायर रेंज स्क्वायर वेल पोटेंशियल तो ये है, ये पर माना आपका जनरल कोई दूसरा पोटेंशियल इस नेचर का है या इससे डिफरेंट नेचर का है, ऐसा है, तो इन सब के भी जनरल फीचर्स जो हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे वो अप्लाई होंगे ही, ओके। आउटसाइड सॉल्यूशन आर फॉर आर ग्रेटर देन ए वो हम एग्जैक्टली पहले ही निकाल चुके हैं, उसका लॉग डेरिवेटिव भी निकाल चुके हैं, तो अब केवल काम जो रह गया है आप इनसाइड रीजन में रिडल इक्वेशन सॉल्व करो और उससे इनसाइड का लॉगरिथमिक डेरिवेटिव निकालो और फिर सीधे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इस एक्सप्रेशन में, मुझे टेन एल का एक्सप्रेशन सीधे सीधे मिल जाएगा। तो मुझे गामा एल ऑप्टेन करना है, गामा एल मतलब इनसाइड सॉल्यूशन से जो लॉग डेरिवेटिव बनता है एट आर इक्वल टू ए, ओके। ये रेडियल इक्वेशन है, ठीक है, एल मैंने अगेन ऊपर लिखा है, वैसे टेक्निकली मुझे आर एल इन लिखना चाहिए था, पर यहाँ मैं अभी केवल इनसाइड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ कुछ देर तक, तो मैं ठीक है क्योंकि आउटसाइड सॉल्यूशन से तो जो ऑप्टेन करना है वो हम जे एल और एन एल के टर्म में लिख चुके हैं, तो आर एल दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स एटलीस्ट इन दिस लेक्चर यहाँ पे हमारा केवल इनसाइड सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा, ओके। वी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है माइनस वी नॉट, ई एक कांस्टेंट है और वी नॉट भी एक कांस्टेंट है, वेल जो है उसके जो डेप्थ है वो फिक्स्ड है हर पॉइंट पे, ओके, जहाँ तक उसका पोटेंशियल का असर है वो फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को मर्ज करके और 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर के साथ में अगर q स्क्वायर कह दूँ, एंड दिस मच रिमाइंड यू बिना इस v नॉट के इस फैक्टर को हम k लिखते हैं, तो मैथमेटिकली चेंज क्या हुआ है, रेडियल इक्वेशन k के साथ और रेडियल इक्वेशन q के साथ, रेडियल इक्वेशन k के साथ मतलब पोटेंशियल जीरो रीजन, और पोटेंशियल जीरो रीजन में आप कहते हैं सॉल्यूशन स्फेरिकल वेसल्स फंक्शन होते हैं जे एल या एन एल, और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना था, वही आइडिया सीधे सीधे यहाँ अप्लाई करेंगे, और इस क्वांटिटी को पहले मैं क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ, अब लिखने को मैं इसको के इन स्क्वायर भी लिख सकता था आउटसाइड वाला के जो है इसके बिना, लेकिन हमने इस डिस्कशन में हमेशा के जो है केवल 2me बाय h क्रॉस स्क्वायर को लिखा है, तो के सिंबल मैंने अवॉइड किया, के बजाय कापा इन या कापा सिंपली ये भी यूज़ कर सकते थे, बट टू अवॉइड ऑल दिस मैंने सिंपली अलग सिंबल, ओके। ये वेव नंबर है इनसाइड के रीजन में और के जो है आउटसाइड के रीजन में, ओके, जस्ट तो ये इक्वेशन ये बनी, और जो पॉइंट मैं आपको एम्फसाइज कर रहा था मैंने यहाँ भी लिखा है, आप इस इक्वेशन को इनफैक्ट सॉल्व कर चुके हैं आउटसाइड रीजन में ये इक्वेशन, और इस फैक्टर को हमने के स्क्वायर कहा और हमने कहा पोटेंशियल कांस्टेंट है, जीरो वैल्यू है पर कांस्टेंट है सब जगह, तो सॉल्यूशन होता है जे एल के आर या एन एल के आर, और आउटसाइड रीजन में दोनों सॉल्यूशन वैलिड होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन, तो अब अगर हम इनसाइड रीजन में देखें इनसाइड रीजन में क्या हुआ, मैथमेटिकली के की जगह क्यू आ गया, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई है वी जीरो की वैल्यू के हिसाब से शिफ्ट, बट है तो एक कांस्टेंट ही, तो इसका सॉल्यूशन भी तो मैथमेटिकली जे एल के आर या एन एल के आर होगा, बट ये है इनसाइड सॉल्यूशन, इसको आर इक्वल टू जीरो पे भी वैलिड होना है, और आर इक्वल टू जीरो पे एन एल वेल बिहेव नहीं होता है,
तो हमारा सॉल्यूशन जो बचेगा सिंपली JLKR, या इस केस में K की जगह आप बेसिकली Q, तो JLQR। तो इनसाइड सॉल्यूशन इमीडिएटली ऑब्टेंड है, पहले से ही ऑब्टेंड है, इसीलिए स्क्वायर वेल पोटेंशियल सॉल्वेबल है। ओके, वहाँ पे इनसाइड सॉल्यूशन JL लेकिन K नहीं, QR। ओके, यस, अगेन मैंने यहाँ इन इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आप करें, डेरिवेटिव करते हुए वही चीज़ फिर से ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन हमने पीछे भी आर के रेस्पेक्ट में किया था, तो आर के रेस्पेक्ट में करें तो क्यू एक बाहर आएगा, और दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर जे एल डैश का ही डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसके पूरे आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन होना है। क्यू आर को आप रो समझें, रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। तो लॉग डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं हम। ओके, पहले जनरल पॉइंट पे, लेकिन जनरल पॉइंट वाला कोई किसी इंपॉर्टेंस का नहीं होता, आर इक्वल टू ए पे, बट पहले इसको इससे डिवाइड करें, अगेन कांस्टेंट कैंसिल हो गया। ओके, हो सकता है मैंने पीछे भी कांस्टेंट का नाम ए एल लिखा हो, मुझे अभी स्ट्राइक कर रहा है, ये ए एल दूसरा वाला ए एल नहीं है, ये जिस इज सम जस्ट सम कांस्टेंट। ओके, लेकिन ये कांस्टेंट का रोल खत्म हो जाता है इस डिवीजन में, तो जस्ट इनसाइड सॉल्यूशन का भी हम लॉग डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। ओके, और आर इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्यू ए क्यू ए हो जाएगा सिंपली। तो सब कुछ हमारे पास ऑब्टेंड है। ओके, यस, मैचिंग द सॉल्यूशंस एट आर इक्वल टू ए, गामा एल की वैल्यू है, ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है, इनसाइड सॉल्यूशन के लॉग डेरिवेटिव को आउटसाइड वाले से मैच करना है। आउटसाइड वाला एक्सप्रेशन मैं पहले लिख चुका था, वो बराबर गामा एल की वैल्यू, और गामा एल की वैल्यू हमने स्क्वायर वेल के लिए इतनी निकाली है। ओके, ये स्पेसिफिकली अब गामा एल की वैल्यू स्क्वायर वेल के लिए है, अदरवाइज किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल के लिए ये तो था ही। ओके, यस, और इनफैक्ट मैं अगर यहाँ से अब वो टेन डेल्टा एल का जो ये एक्सप्रेशन हमने ऑब्टेन किया था, यहाँ मैं इस गामा एल की वैल्यू रख दूँ जो हमने मसाज करके निकाला था, उस गामा एल की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये टर्म गामा एल है, ये जो दो कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है गामा एल, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर वेल के लिए आप किसी भी इन प्रिंसिपल किसी भी वैल्यू ऑफ एल के लिए फेज शिफ्ट निकाल सकते हैं। के नोन है, के नोन है, ए नोन है, क्यूज और जेज फंक्शन नोन है, बेसल्स फंक्शन स्टैंडर्ड टेबल से आप देख सकते हैं, उनके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एवरीथिंग। वो अलग पॉइंट है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है, पर कैलकुलेशन भी है जब हाथ से कर रहे हैं तब इन्वॉल्व है, अदरवाइज आज की डेट में कंप्यूटिंग टूल्स अवेलेबल हैं वहाँ से वेरी इजीली। तो या आप किसी भी ऑर्डर तक किसी भी एल वेव के लिए यहाँ से फेज शिफ्ट निकाल सकते हैं। ओके, बट हम बाय हैंड ही कैलकुलेशंस करेंगे एंड वी विल सी। और इस एक्सप्रेशन को भी थोड़ा आप मसाज करें, ये जे एल के का फैक्टर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और फिर न्यूमरेटर डिनोमेटर में कैंसिल, तो द फाइनल एक्सप्रेशन लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, यस, और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट है फॉर ऑर एल, ठीक है, लेकिन स्क्वायर वेल के लिए आपने सोचा फॉर ऑल वेल्स, ठीक है, लेकिन इससे जो इंटरप्रिटेशन निकलेगा, द पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन जो निकलेगा क्वालिटेटिवली, वो किसी भी और फाइनाइट रेंज वाले वेल शेप पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैंने इस पॉइंट को स्किप कर दिया, वो कैलकुलेशन मैंने नेक्स्ट पेज पर रिपीट की है, ठीक है। टेन डेल्टा एल के एक्सप्रेशन को फिर से मैं गामा एल की फॉर्म वाला मैं यूज़ करूँगा, मैं सीधे गामा एल वाली फॉर्म को यहाँ पे ले आया हूँ। ओके, दिस, और रिमेंबर गामा एल भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, गामा एल जो है ये क्यू और ए पे डिपेंड करेगा, आप इस एक्सप्रेशन में यहीं देख लीजिए, पर इन जनरल भी स्क्वायर वेल ना भी हो, इनसाइड वेव नंबर और ए, और जनरल पोटेंशियल के केस में तो पॉइंट टू पॉइंट भी वेव नंबर आपका वेरी कर सकता है, ठीक है। इस वाले पोटेंशियल में तो आपका स्क्वायर वेल में तो इनसाइड का वेव नंबर जो है पूरे रीजन में सेम है, लेकिन अगर पोटेंशियल का नेचर अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर आपका वेरी भी कर सकता है। ओके, दिस क्यू जो है इंटरनल सॉल्यूशन से डिटरमिन होता है, जिसमें वी जीरो और ई दोनों आते हैं। ओके, क्यू के एक्सप्रेशन में वी जीरो और ई, और ये ए जो है बाउंड्री से डिटरमिन होता है। ओके, गामा एल डायरेक्टली के पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यू और ए पे। ओके, यस, तो अगर आप अब हम लो एनर्जी पे फोकस करें इन एक्सप्रेशंस का। ओके, लो एनर्जी पे फोकस करने का मतलब है के ए वेरी वेरी लेस देन वन, जीरो एनर्जी पे हम बाद में जाएंगे लिमिट पे, पर पहले लो एनर्जी। तो लो एनर्जी पे हमें जे एल और एन एल के एसेम्प्टोटिक नॉट एसेम्प्टोटिक नियर ओरिजिन बिहेवियर जिसे कहते हैं वो पता है, पावर लॉ फॉर्म होती है। ओके, जी, तो इनके डेरिवेटिव्स भी आप निकाल सकते हैं यहीं पे, और डेरिवेटिव सीधे आप ध्यान रखिए हमें डिफरेंशिएशन सीधे अब इस वेरिएबल रो के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो जे एल रो का एक्सप्रेशन है रो एल टू एल प्लस वन डबल फैक्टोरियल, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एल रो एल माइनस वन, बाकी इतना ही। सिमिलरली इसका बिहेवियर, तो स्मॉल एनर्जीज के लिए हम जे एल और जे एल डैश की ये वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ इसमें, तो टेन डेल्टा एल का एक्सप्रेशन इट बिकम्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखें, रो जब मैंने यहाँ लिखा है हमारे लिए रो बराबर के ए होना है, ठीक है, के ए के ए एट के ए, यहाँ इस पर एवेलुएट करना है, बट अभी रो को ही रख के ये मैंने कैलकुलेशन किया, यू कैन चेक इट। ओके, यू कैन मसाज इट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को कंबाइन करें, कुछ कैंसिलेशन एंड दिस दिस दिस,
फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये लो एनर्जी लिमिट में है एक्सप्रेशन, स्क्वायर वेल से आपने ऑप्टेन किया है 10 डेल्टा एल का एक्सप्रेशन, के ए टाइम्स 2L प्लस 1 ओवर 2L प्लस 1 डबल फैक्टोरियल, 2L माइनस 1 डबल फैक्टोरियल, L माइनस गामा एल ए, 1L प्लस 1 प्लस गामा एल इंटू ए, या ए का फैक्टर मेरे से मिस हो गया था यहाँ और यहाँ, मैंने बाद में रेड पेन से इसलिए लिखा है आप देख सकें, गामा एल इंटू ए, इसको आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ओके। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन केवल स्क्वायर वेल के लिए नहीं, कोई भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल है, फाइनाइट रेंज का मतलब है एक बाउंड्री है जो इनसाइड और आउटसाइड सॉल्यूशंस को सेपरेट कर रही है, तो बाउंड्री पे सॉल्यूशन अगर आप मैच करा रहे हैं तो गामा एल की अप्रोप्रिएट वैल्यू रखें। आप गामा एल स्क्वायर वेल के लिए तो इतना बना गामा एल, लेकिन किसी दूसरे वेल के लिए अगर वो जो भी वैल्यू बने उसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके ये एक्सप्रेशन आप लो एनर्जी स्कैटरिंग पे यूज़ कर सकते हैं किसी भी जनरल पोटेंशियल के लिए, ओके। तो जनरली के लिए अगर हम बात करें, अगर मैं एस वेव स्कैटरिंग को देखूँ, एल इक्वल टू जीरो और टेन डेल ज़ीरो, एस वेव का फेज शिफ्ट जिसे हम कहेंगे, ओके, वो होगा, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज रखिए एल इक्वल टू जीरो सब जगह, यहाँ पे एक पॉइंट ये आ रहा है 2L माइनस 1 का डबल फैक्टोरियल, जब L की वैल्यू जीरो है मतलब माइनस 1 का डबल फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ओके। तो बाकी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें तो सिंपली एक्सप्रेशन लुक समथिंग लाइक दिस, ओके। और सिमिलरली पी वेव के लिए आप कैलकुलेशन करें L इक्वल टू 1 पुट करके, तो तब एक्सप्रेशन आपका ये बन रहा है। अब ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट हैं, ओके। पहली चीज़ तो, सबसे पहली चीज़ तो फिर से हम उस आर्ग्यूमेंट को रिविजिट कर सकते हैं, जब एनर्जी कम होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कैटरिंग एस वेव वाली होगी, वहीं का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, बाकी का वो आप यहाँ देख सकते हैं, के ए क्यूब, यहाँ भी के ए आ रहा है, के ए इंटू ए आप इसे लिख सकते हैं, के ए का एक फैक्टर आ रहा है, के ए हमने कहा है हम इस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, के ए इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू वन, तो यहाँ के ए है लेकिन यहाँ तो के ए का क्यूब है, ये नंबर इसके मुकाबले वेरी वेरी स्मॉल, से के ए इज़ 10^-2 जस्ट, तो के ए क्यूब 10^-6, बाकी फैक्टर्स अगर बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं तो फिर ये फैक्टर ही डोमिनेट करेगा, बट ये जो मैंने पॉइंट कहा उसको ध्यान में रखिए, ये तब है अगर बाकी फैक्टर्स का रोल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी फैक्टर से मेरा मेन मतलब है ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है, इनफैक्ट ये दोनों जगह ये क्राइटेरिया अप्लाई होता है, आपका क्रॉस सेक्शन इन फैक्टर्स से तो डिटरमिन हो ही रहा है, मतलब डेल्टा जीरो है तो बाकी चीज़ें भी, पर अगर ये फैक्टर से ज़ीरो या ज़ीरो के बहुत क्लोज है, वेरी स्मॉल नंबर, तो आपका जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो रैपिडली राइज करेगा, यही जिसे हम रेजोनेंस कह रहे हैं, ये वही सिचुएशन है। इसको इस तरह से सोचिए, माना किसी पर्टिकुलर केस में हमारे लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को नाइवली देखें तो आप कहेंगे अरे ये टर्म तो नेग्लिजिबल है, पर माना 2+γ1 टाइम्स ए, गामा वन मतलब लॉगरिथमिक डेरिवेटिव जो एल इक्वल टू 1 वेव के लिए निकलता है इनसाइड सॉल्यूशन का, 2+γ1 ए की वैल्यू से एग्जैक्टली ज़ीरो है, तो ये जो है 10 डेल्टा 1 जो है ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इससे इसका मतलब डेल्टा वन की वैल्यू π/2, इनफैक्ट वो π/2, 3π/2, 5π/2, ये मैंने पीछे डिस्कस किया था जहाँ पे रेमसोर टाउनसेंड इफेक्ट की बात की थी कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट वैनिश हो जाता है, और कहीं पे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बहुत रैपिडली राइज भी करता है, उसका मेन रीज़न π/2 और पाई और ये जो वैल्यूज़ हैं इन पे जो फंक्शंस का बिहेवियर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो वही चीज़ यहाँ पे भी, अगर 2+γ1a स्कैटरिंग तो लो एनर्जी पे है तो ये टर्म आपने नाइवली देखा, आपने कहा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है और ये वाला रिलेटिवली इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट है, पर आपका पोटेंशियल ऐसा था कि उस लो एनर्जी पे उसके लिए ये टर्म जीरो बन रहा था, तो ये वाला टर्म वेरी लार्ज मतलब स्कैटरिंग में पी वेव का कंट्रीब्यूशन अचानक से बढ़ जाएगा, वो उसी एनर्जी के अराउंड बढ़ेगा, उस एनर्जी से आप थोड़ा दूर होंगे तो फिर से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये वाला बिल्कुल वो हो जाएगा, ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो जैसे पहले बिहेव कर रहा था, बट ये डिनोमिनेटर के फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, यही रेजोनेंस कॉज करते हैं, तो बोथ दीज वैनिशेस, पहले तो वेरी ग्रॉसली देखें कि अगर आप सीधे सीधे के इक्वल टू जीरो रख दें, अब मैं जीरो एनर्जी लिमिट की बात कर रहा हूँ, के इक्वल टू जीरो ही आप इसमें रख दें, ये भी वैनिश हो गया, ये भी वैनिश हो गया, पर ये आर्ग्यूमेंट आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर गामा जीरो ए बराबर माइनस वन ना हो, अगर गामा जीरो ए बराबर माइनस वन है तो डिनोमिनेटर में जीरो है, ऐसी गामा वन ए अगर टू के बराबर माइनस टू के बराबर है तभी भी आर्ग्यूमेंट अप्लाई नहीं होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं ये मान रहा हूँ, मैं रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ आज, तो रेजोनेंस अगर नहीं है तो ये फैक्टर्स जो हैं इनकी जो भी वैल्यू है ये बहुत स्मॉल नहीं है, जीरो भी नहीं है और बहुत स्मॉल भी नहीं है, तो ये जस्ट सम नंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 or 2 or 3, ओके, तो ये नंबर्स रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है, तो लो जीरो एनर्जी में के जीरो होने के कारण ये भी वैनिश हो रहा है, ये भी वैनिश हो रहा है, तो आपको ये लगेगा अच्छा के जीरो है, के इक्वल टू जीरो ही आप सोच लें, ये वैनिश हो गया मतलब डेल्टा जीरो की वैल्यू भी जीरो,
और डेल्टा वन की वैल्यू भी जीरो। और अगर आपके फेज शिफ्ट जीरो हैं तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है 4π/k² 2l+1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अगर डेल्टा एल जीरो है और स्मॉल एंगल के लिए, तो आप दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं, स्मॉल एंगल के लिए साइन डेल्टा एल लगभग टैन डेल्टा एल के बराबर ही होता है। अगर लो एनर्जी पे कम स्कैटरिंग हो रही है, जो कि इन जनरली होगी अपार्ट फ्रॉम रेजोनेंस सिचुएशन, तो सारे डेल्टा वैसे स्मॉल होंगे। और डेल्टा अगर स्मॉल है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ओके, क्योंकि टैन होता है साइन अपॉन कॉस, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में कॉस डेल्टा एल की जगह आप वन रख सकते हैं, और इन दोनों की जगह इनफैक्ट आप सिंपली डेल्टा एल भी रख सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। बट ये अगर डेल्टा एल के इक्वल टू जीरो पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो डेल्टा एल जीरो हैं, तो डेल्टा एल जीरो हैं तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, जीरो। नाइवली देखने में ऐसा लग रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस, ओके। ये दोनों वैनिश हो रहे हैं व्हेन के इज इक्वल टू जीरो, अपार्ट फ्रॉम अगर रेजोनेंस की सिचुएशन आ रही है, ठीक है, एज द इंसिडेंट पार्टिकल एनर्जी गोज टू जीरो, ये दोनों नॉर्मली जीरो हो जाएंगे, नॉर्मली मतलब इस सिचुएशन को छोड़ के, रेजोनेंस की सिचुएशन को छोड़ के। बट स्टिल टोटल क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को, उसका एक्सप्रेशन ये है। इस एक्सप्रेशन को अगर आप पार्शियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस में ब्रेक कर दें हर वेव के लिए अलग अलग, मतलब एल इक्वल टू जीरो के लिए जो ये पूरा टर्म है अब इंक्लूडिंग 4π/k² उसको सिग्मा जीरो, अगले वाले को सिग्मा वन, अगले वाले को सिग्मा टू, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन सबका सम है। चलो हायर वाले को तो हम पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, इनका पी वेव से ऊपर की जो वेव्स हैं डी वेव वगैरह, उनमें तो और ज़्यादा पावर फैक्टर आएगा के ए का, तो उनको छोड़ दें। केवल इन दो के कंट्रीब्यूशन को भी अगर देखें, इस एक्सप्रेशन के लेवल पे ऐसा लग रहा है डेल्टा जीरो और डेल्टा वन के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, पर आप इस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन देखिए, तो यहाँ तो डिनोमेटर में भी एक के स्क्वायर आता है। दिस फैक्टर इज इंटरेस्टिंग, आप के टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले रहे हैं तो आपको इस फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नाइवली अगर आप के इक्वल टू जीरो इसकी जगह रख दें, ये टर्म तो ब्लो अप हो रहा है, इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में आप इस फैक्टर और इसके कंट्रीब्यूशन को आपको मिला के देखना पड़ेगा। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, चाहे तो अलग अलग टर्म्स में, और फिर उस टर्म को देखो वो के इक्वल टू जीरो पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो एनालिसिस यहाँ से नहीं करना चाहिए हमें कि के इक्वल टू जीरो पे अरे डेल्टा जीरो भी जीरो हो गया और डेल्टा वन भी जीरो और बाकी सारे भी जीरो तो स्कैटरिंग नहीं होगी। नो, जीरो एनर्जी लिमिट में किस तरह का बिहेवियर आ रहा है उसके लिए आप इस एक्सप्रेशन का एनालिसिस कीजिए। सो इफ़ यू गो थ्रू दिस एक्सप्रेशन व्हाट यू गेट इज जो सिग्मा जीरो है उसमें 2l+1 एल की जगह जीरो रखा तो वन का फैक्टर बना और साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा की जगह टेन थीटा रखो या टेन थीटा दोनों की जगह थीटा एक ही बात है, तो मैं इस डेल जीरो की जगह साइन डेल जीरो की जगह सिंपली डेल जीरो रख सकता हूँ और फिर उसका स्क्वायर, और डेल जीरो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये टेन डेल जीरो निकाल चुके हैं, मतलब डेल जीरो ये आप सब्स्टिट्यूट कर दें तो आप देख रहे हैं यहाँ के स्क्वायर का एक फैक्टर बनेगा और ये डिनोमीटर में जो के स्क्वायर था ये कैंसिल हो रहे हैं। अभी इस एक्सप्रेशन को फिर से देखेंगे बट फॉर द टाइम बीइंग ये एक्सप्रेशन ज़ीरो नहीं है। नाइवली देखने पे ऐसा लग रहा था एस वेव भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी टोटल स्कैटरिंग में जीरो एनर्जी लिमिट में, पर जीरो एनर्जी लिमिट में भी एस वेव कंट्रीब्यूट करती है स्कैटरिंग में, ओके। दस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अगर हम के इक्वल टू जीरो लिमिट की बात कर रहे हैं तो गामा में भी आपको के इक्वल टू जीरो का ध्यान रखना पड़ेगा। गामा में मैं इसलिए कह रहा हूँ, गामा आपका डिपेंड करता है क्यू और ए पे, ए तो फिक्स्ड है, वेल में आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, क्यू क्यू में खुद इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी भी शामिल है, वेल की डेप्थ भी और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी, तो के टेंडिंग टू जीरो के कारण वो ई का फैक्टर भी टेंडिंग टू जीरो, ओके। बट वट एवर बी द केस दिस इज फाइनाइट। लेकिन आप पी वेव पे अगर जाएं, पी वेव के करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन 2l+1 की जगह 3 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, यहाँ भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आप अप्लाई कर दें इस एक्सप्रेशन का वट एवर ये, ओके दिस। इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए था, आई हैव अ मिस्टेक ओवर हेयर, इसका यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, बट दैट डजंट चेंज माई रिजल्ट, ओके। ये कुछ स्क्वायर के फैक्टर चेंज होंगे बट द पॉइंट इज यहाँ के स्क्वायर था और यहाँ के की पावर 6 बन रही है, तो नेट के की 4 पावर्स आपके न्यूमरेटर में है और के टेंडिंग टू जीरो लिमिट में वो जीरो हो जाएंगे, ओके। दिस रिजल्ट इज स्लाइटली रॉन्ग बट द इंटरप्रिटेशन इज ओके, दिस टर्म गोज़ टू जीरो, इनफैक्ट इट गोज़ मच फास्टर, जितना मैंने पहले लिखा था उससे मच फास्टर, दिस टर्म गोज़ टू जीरो, ओके। बस ध्यान ये रखें ये वाले फैक्टर्स प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं रेजोनेंस वाली सिचुएशन में, ओके। ये भी जीरो हो रहे हैं फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज लो एनर्जी लिमिट या जीरो एनर्जी लिमिट में एस वेव का कंट्रीब्यूशन स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है और पी वेव और फिर हायर वेव्स का कंट्रीब्यूशन जीरो हो रहा है, ओके, इन द जीरो एनर्जी। सो द एस वेव स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज नॉन जीरो इवन इन द के टेंडिंग टू जीरो लिमिट, ओके। ये एक जनरल फीचर है, इनफैक्ट आप इस फीचर को वहाँ भी देख सकते हैं।
हार्ड स्फीयर में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ओके, वहाँ पे भी आप एस वेव के कंट्रीब्यूशन को जीरो एनर्जी लिमिट में देखिए, ओके। पहले तो फेज शिफ्ट को देखिए, फेज शिफ्ट तो वहाँ के टाइम्स ए टाइप का होता है, तो फेज शिफ्ट को देख के तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो जीरो लिमिट में वैनिश हो रहा है, बट जब आप उसका इफेक्ट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पे देखते हैं तो वो एस वेव जीरो एनर्जी लिमिट में भी फाइनाइट कंट्रीब्यूशन देती है, ओके। तो ये जनरल फीचर है, और हार्ड स्फीयर पोटेंशियल जो है वो भी एक शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, फाइनाइट रेंज पोटेंशियल है, किसी रेंज में वैल्यू बहुत हाई है, इन्फिनिटी है, और उसके बाद एकदम से जीरो, तो वो क्राइटेरिया। तो ये जो जनरल, ये जनरल फीचर है, ठीक है, एस वेव इवन जीरो एनर्जी लिमिट में एस वेव का क्रॉस सेक्शन कुछ है, और इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप बहुत लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी आपको उस अननोन पोटेंशियल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ओके। तो इन द लो एनर्जी लिमिट दिस इस वे, अब मैं जीरो एनर्जी लिमिट की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लो एनर्जी लिमिट में, लो एनर्जी लिमिट में ये टर्म इससे स्मॉलर है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, रेजोनेंस ना हो तो बहुत ज़्यादा इन फैक्टर्स का असर नहीं है, तो ये रिलेटिवली इसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। यहाँ के की 4 पावर आ रही है, यहाँ के की केवल के की कोई पावर ही नहीं है, ओके दिस। तो सिग्मा टोटल में केवल इसका कंट्रीब्यूशन अगर आप मान लें कि ये नेग्लिजिबल है, ओके, बाकी वेव्स का, तो सिग्मा टोटल जो है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, इसको मैंने यहाँ कॉपी किया है, सिग्मा जीरो ही सिग्मा टोटल है, केवल एस वेव का कंट्रीब्यूशन ही है, ओके। स्क्वायर वेल के लिए स्पेसिफिकली अब चलें, इसे आप जनरल फीचर समझ सकते हैं, ये किसी भी उस वेल टाइप पोटेंशियल ऑफ फाइनाइट रेंज के लिए इस तरह का क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। स्क्वायर वेल के लिए हमें गामा एल का एक्सप्रेशन ये मिला था, इनसाइड सॉल्यूशन केवल जे एल था, तो उसका डेरिवेटिव और उसका रेशियो ये बना था, ओके। तो एल की जगह अगर हम जीरो रखें, हमें केवल गामा जीरो की जरूरत है, गामा जीरो हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, और जीरोथ ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन काफ़ी सिंपल होता है कंपैरेटिवली, ओके। जैसे आप इससे हायर वाले पे जाते हैं J1 में, वो इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, पर दिस इज़ रिलेटिवली ईजियर। तो J0 रो है जो है साइन रो अपॉन रो, तो रो हमारे लिए क्यू टाइम्स आर होना है, नॉट के टाइम्स आर, इनसाइड के लिए क्यू टाइम्स आर, तो वो बेसिकली साइन क्यू आर अपॉन क्यू आर, ओके। बट डिफरेंशिएशन करते हुए ध्यान रखिए, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो इस पूरे को क्यू आर को आपने रो समझना है, रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, बाद में रो इक्वल टू क्यू आर रखें। तो इफ़ यू डू दैट थिंग, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, जे जीरो का डैश साइन रो अपॉन रो का डिफरेंशिएशन करें, ये मिलता है। अब इसमें रो की जगह क्यू आर आप सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। तो गामा जीरो का एक्सप्रेशन डैश अपॉन अनडैश का जो रेशियो है अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ क्यू, वो आप सिंप्लीफाई करें, तो दैट फाइनली बिकम समथिंग लाइक दिस, गामा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन a क्यू ए कॉट क्यू ए माइनस 1, और इस a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लाएँ, तो दिस, ओके। तो जो हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन है, जिसमें k कहीं प्रेजेंट नहीं है, ओके, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखें आप, ए स्क्वायर का एक फैक्टर बाहर कर दें, तो गामा नॉट a का होल स्क्वायर, और नीचे तो गामा नॉट a है, इसीलिए हमने इस एक्सप्रेशन को गामा नॉट a की फॉर्म में लिखा, ओके। ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और अगेन इस एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करें, तो आपको एक, लेट मी से इट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट तो नहीं है, कहीं कहीं पे हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 को ड्रॉप कर दिया है, बट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, लो एनर्जी लिमिट में स्क्वायर वेल से जो स्कैटरिंग का क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन है, वो ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपके सामने ये है, ओके, दिस। लेकिन ये फीचर्स थोड़ा आंसर में थोड़ा चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोई दूसरा पोटेंशियल है तो गामा नॉट की वैल्यू डिफरेंट होगी, पर जनरल फीचर्स मैं यहीं से अगर रीड ऑफ करूँ, जनरल जो हमने अभी तक डिस्कशन किया, लो एनर्जी में स्कैटरिंग अगर हम कर रहे हैं और कोई भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल है वेल शेप्ड का, फॉर डेफिनेटनेस माना वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, तो स्कैटरिंग आइसोट्रोपिक होती है। स्कैटरिंग में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन केवल एस वेव का आता है, और एस वेव स्कैटरिंग आइसोट्रोपिक होती है, सो दिस इज़ ओके। और दूसरा, स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी, अब मैंने उसके साथ ऑलमोस्ट भी लिखा है, यू मस्ट रिमेंबर क्यू जो है वो ई पे डिपेंड करता है, ओके, 2m/h² ई प्लस वी नॉट, तो यहाँ से डिपेंडेंस है, पर वो डिपेंडेंस शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो रिलेटिवली, क्या पता वहाँ डोमिनेंस वी नॉट का हो, ओके, तो ये रिलेटिवली उतना फ़र्क नहीं डालेगा, ओके। तो इम्पॉर्टेंट जो है रिलेटिवली स्कैटरिंग इंसिडेंट एनर्जी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन ये सारी कहानी चेंज हो सकती है अगर रेजोनेंस हो, ओके, बट ऑल दिस माइट चेंज, आप लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर कहानी सारी बदल सकती है इफ़ रेजोनेंस अकर्स। रेजोनेंस को आप चाहे इस फीचर के रूप में सोचें, वेल के अंदर ट्रैप होने वाले फीचर के रूप में सोचें, या मैथमेटिकली आप इन डिनोमीटर्स के टर्म में सोचें, कि ये डिनोमीटर अगर वैनिश हो गए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे,
तो फिर जो हमने जनरल डिस्कशन किया है इससे हमें अलग डिस्कशन करना पड़ेगा कि हाँ उस सिचुएशन में क्या होता है, और उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ओके, जैसे जनरली अगर लिखो जो डिनोमिनेटर था जनरल एल वैल्यू के लिए इतना है, एल प्लस वन प्लस कम है, तो अगर ये स्मॉल हो या क्लोज टू जीरो तो फिर टेन डेल्टा एल बिकम्स वेरी लार्ज, और टेन डेल्टा एल लार्ज होने का मतलब थिंक ऑफ इट एज इन्फिनिटी, इट मीन्स डेल्टा एल इज पाई बाई टू या उसका कोई और उसमें एन पाई के फैक्टर्स या टू एन पाई के फैक्टर्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो डेल्टा एल कैन बिकम लार्ज फॉर अ पर्टिकुलर एल वैल्यू इफ दिस कंडीशन होल्ड्स। ओके, और तब वो जो एल वैल्यू का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा टोटल में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में वो लार्ज हो सकता है, मतलब वो स्ट्रांगली अफेक्ट करता है स्कैटरिंग को। सो दिस फिनोमेना, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा हम इनकी क्वालिटेटिव बात करेंगे। ओके, बट द पॉइंट इज आज के लेक्चर में जो पॉइंट था, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशंस, जनरल फीचर्स जो होते हैं किसी भी फाइनाइट रेंज पोटेंशियल के, वो हमने यहाँ से ऑब्टेन किए हैं। ओके, वो फीचर्स जो हैं, और जैसे मैंने पहले कहा एक्सप्लिसिटली अगर अलग अलग पोटेंशियल्स के साथ कैलकुलेशन की भी जाए, बस उनके पास एक कॉमन फीचर होना चाहिए, वो सब शॉर्ट रेंज हैं और रिलेटिवली वो, तो उन सबसे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, सो द डिस्कशन डन हेयर सर्व्स एज अ प्रोटोटाइप फॉर ऑल वेल काइंड ऑफ पोटेंशियल्स, लेट मी से इट दिस वे। ओके, और न्यूक्लियर फिजिक्स में आप इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में यूज़ करेंगे जब आप एन पी स्कैटरिंग को का एनालिसिस हम करते हैं, और उसकी मदद से जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर फॉर द टाइम बिंग। थैंक यू एवरीबॉडी।